नमस्कार, कॉटन कॉम्प्लेक्स मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज थर्सडे 13 जनवरी। सबसे पहले अगर हम कल के सेशन की अगर बात करें तो कल के सेशन के अंदर हमने एक अच्छा खासा मोमेंटम मार्केट में बनते हुए देखा। कॉटन के अंदर हमने करीबन 2% की तेजी के साथ प्राइजेस को 35,500 का लेवल भी छूते हुए देखा। वहीं अगर हम कपास की बात करें, कपास में भी 2,000 के करीब प्राइजेस को जाते हुए देखा हमने। एनसीएक्स के अंदर कॉटन सीड ऑयल केक की अगर बात की जाए तो कल हमने 3400 का लेवल छूते हुए देखा मार्केट में। कंसर्न बने हुए टेक्निकल्स को लेकर, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग ड्यू हो सकती है मार्केट में, बट कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि फंडामेंटल काफी मजबूत होते हुए जा रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट में भी प्राइजेस 117.70 के करीब जाती हुई दिख रही है, कहीं ना कहीं 115 सेंट के ऊपर अच्छे से कंफर्टेबल है। बट जब तक 120-121 का जो पिछला हाई है काटता नहीं है, तब तक मार्केट एक दायरे में दिखाई दे रही है। चाइना से भी हमने कंटिन्यू अच्छी बाइंग देखी है, तो टेक्निकल काउंट थोड़े बहुत कंसर्निंग दिखा रहे हैं, फंडामेंटल काफी मजबूत दिखा रहे हैं। यहाँ पे आपको समझना है कि करेक्शन होना बहुत जरूरी है। हमने काफी जन से जब बात भी की तो हमें एक चीज ये क्लियरिटी दिखाई दी कि मार्केट के अंदर माल हाथ में नहीं होने की वजह से 150-200 पॉइंट का कॉटन सीड ऑयल केक के अंदर, 500-600 पॉइंट का कॉटन में कभी भी करेक्शन आता भी है तो इमीडिएटली मार्केट के अंदर बाइंग लौटते हुए दिख जाती है। तो आज के सेशन में टेक्निकली थोड़ा सा मार्केट वीकनेस दिखा रहा है, क्योंकि हमने देखा कि काफी एसोसिएशंस है, एजेंसीज है, गवर्नमेंट ने भी कंसर्न जताया है कि प्राइजेस काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। लेकिन आप एक चीज समझिए कि जब हम जनवरी 15 के करीब खड़े हैं और अराइवल नहीं आ रहे, जिसकी वजह से ये तेजी बनी हुई है, तो अगला क्रॉप कब आने वाला है? वो आने वाला है अक्टूबर 2022 में। इससे पहले क्या सीनेरियो हो सकता है, जस्ट यू कैन इमेजिन। ऐसा भी नहीं है कि हम इंटरनेशनल से इंपोर्ट कर पाएंगे, ठीक है, डिस्पैरिटी है, थोड़ी बहुत हम कर भी सकते हैं, बट वहां पे भी अगर बैलेंस शीट की अगर हम बात करें तो आप समझिए कि बैलेंस शीट काफी शॉर्ट है ग्लोबल मार्केट की भी, तो कहीं ना कहीं ये कंसर्न है जो पूरे साल भर कॉटन सीड ऑयल के को इम्पैक्ट करता हुआ दिखाई देगा। ये कोई छोटी मोटी तेजी नहीं है, ये लंबी तेजी की आगाज है। नो डाउट हम भी समझते हैं जब कोई भी चीजों के भाव बढ़ते हैं तो तकलीफ सभी को होते हैं, बट फार्मर्स को इस बार प्राइजेस अच्छे मिल रहे हैं और आई थिंक ये ग्लोबल पैंडमिक की वजह से, ये सट्टे की वजह से या स्पेकुलेशन की वजह से नहीं है। ये ग्लोबल मार्केट में देखा गया है पिछले 100 सालों में, जब भी ऐसा पैंडमिक हिट होता है तो एक कमोडिटी में तेजी आ जाए तो समझ में भी आए सट्टा है। बट आप देखिए बेस मेटल की भाव के भाव देखिए, क्रूड के भाव देखिए, नेचुरल गैस के भाव देखिए, ऑयल सीड के भाव देखिए, मसालों के भाव देखिए, कोई भी एक सिंगल कमोडिटी का नाम बता दीजिए जिसने तेजी नहीं दिखाई है। तो प्लीज इसको आप समझिए कि ग्लोबल एक सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई है, वेदर कंडीशन डिस्टर्ब हुआ है, जिसकी वजह से ये रिजल्ट आया हुआ है। फंडामेंटल डोमेस्टिक मार्केट के उससे ज्यादा खराब दिख रहे हैं, जिसकी वजह से प्राइजेस काफी स्ट्रांगली होल्ड कर रहे हैं। अभी भी मौसम काफी खराब है, जहां पे हमने काफी डैमेजेस भी देखे हैं। टेक्निकली अगर हम आइस कॉटन की बात करें तो देखिए प्राइजेस 117 के ऊपर निकलने की पूरी कोशिश कर चुका है, थोड़ा भी पुलबैक मिले लेके चलिए, जब तक 114 के ऊपर मेंटेन है 120 का लेवल है, और ध्यान रखिए 120 के ऊपर निकलने पे हम 135-138 के भी लेवल देख पाएंगे। ओवरऑल पुलबैक जरूरी रहता है कोई भी अच्छी बड़ी तेजी के लिए, तो थोड़े पुलबैक पे आप लेके चलिए। वहीं अगर कॉटन एमसीएक्स की बात करें तो यहाँ पे भी हमने 35 से वापस मार्केट में एक अच्छी खासी तेजी बनती हुई देखी है। टेक्निकली देखें तो 38-40-42 तक के भी लेवल दिखा दे। आज काउंटर काफी वॉलेटाइल रहना है, दिन के सेशन में थोड़ा भी पुलबैक मिले 35,200-35,100 के करीब वहां पे लेके चलिए, 35,600 का लेवल तोड़ने पे 36,300 का नेक्स्ट लेवल रहेगा। वहीं कॉटन सीड ऑयल केक की भी अगर बात करें तो कल हमने 3400 का लेवल ऑलमोस्ट छूते हुए देखा, एक पुलबैक मिले 3200 तक का तो वो ज्यादा बेटर है। ओवरऑल काउंटर में मंदी मत कीजिए, बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति है। टेक्निकली देखते हैं तो हमको मंदी बार बार में दिखाई देती है कि थोड़ा करेक्शन आ जाए, बट प्लीज समझिए कि 50 रुपए के करेक्शन पे 100 रुपए की तेजी है तो वो मंदी नहीं है, वो एक जस्ट एक पुल बैक है। तो ध्यान रखिए जब तक टेक्निकली 3200 के ऊपर प्राइजेस होल्ड है, ट्रेंड पॉजिटिव है, जो ऊपर में 3450 का नया लेवल तोड़ने पे 37 का लेवल भी दिखा दे, बट हाँ टेक्निकली ओवरबॉट है, इसके लिए थोड़ा पोजिशन कम करके चलिए, बट ध्यान रखिए बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति ही अपना। ये दिन के सेशन में आज दबाव रह सकता है, जो 3280 का एक स्ट्रांग सपोर्ट रहेगा तो जितना 3300 के करीब लोगे उतना अच्छा है लेने के लिए, 3420 का लेवल तोड़ने पे हम नया हाई वापस बनते हुए देख पाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, इस चैनल में हम आप तक इक्विटी कमोडिटी करेंसी की अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।